बिहार में कैसे मनता है हैप्पी न्यू ईयर, आपसे छुपा है जी। खा के मुर्गा पी के भी और मनाओ, हैप्पी न्यू ईयर वाला सिस्टम है। तो अभी पूरा एकदम पिकनिक के लिए सामान लेके जा रहे हैं हम सब दोस्त। अभी भी ऑफर है, शादी करना है तो मैसेज कर दीजिए। ऐसा खाना बनाने वाला भाई कहीं नहीं मिलेगा। कुछ बता दे, कैसा लड़की चाहिए? लड़की रहे के चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए व्लॉग वीडियो में। और आज से शुरू हो चुका है 2024, मतलब हम लोग टाटा कह चुके हैं 2023 को। आज है 1 जनवरी। तो आप सबको जो है भाई साहब हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है? हैप्पी हो या सैड वो तो स्टार्ट होते अब पता चलेगा ही, लेकिन सबको विश करना तो जरूरी है। तो सबसे पहले सुबह उठा हूँ, नाना नानी को कर दिया हूँ विश, माँ पापा को भी कर दिया, मासी को भी कर दिया, सबको करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ अपने कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने, ठीक है? अब देखिए भाई साहब, हम लोग हैं तो बिहारी, तो बिहार में कैसे मनता है हैप्पी न्यू ईयर, आपसे छुपा है जी। खा के मुर्गा पी के भी और मनाओ, हैप्पी न्यू ईयर वाला सिस्टम है। तो अभी पूरा एकदम पिकनिक के लिए सामान लेके जा रहे हैं हम सब दोस्त। चलिए हम आपको एक एक करके अपने दोस्तों से मिलवाते हैं। सबसे पहले मित्र से मिलिए, ये है रोहित। हाय। हाँ, ये है अंगद और ये है मेरा एक और भाई अमन। और हम लोग जो है पूरा पिकनिक का प्रोग्राम बना के सामान लेके आ गए हैं यहाँ पे। बस नहर उस पार चलेंगे और कहीं पे बढ़िया से छिलेंगे उलेंगे, मतलब आओ कुछ नहीं, छिलने के लिए फौरा रखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं क्या छिलेंगे। उसके बाद छिल्ला के बाद वहीं पे जो है प्रोग्राम बैठेगा एकदम तगड़ा सा, फिर हम लोग जो है करेंगे फुल फन। अब बनेगा एकदम चिकन, चिकन के साथ बनेगा लिट्टी। अब देखते हैं कैसा बनता है, मेहनत काफी लगेगा लेकिन बना ही के आज छोड़ेंगे राजा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब बर्तन को धोना था, बहुत दिन से ऐसे ही रखा हुआ था। तो ये देखिए, ज्यादा बर्तन हम लोग ऐसे नहीं ले जा रहे हैं, डिस्पोजल वगैरह है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे अंगद मित्र धो रहे हैं। एकदम जरूरी है, धोला के बाद हम लोग चलेंगे नहर उस पार। आज से शुरू हो गया है 2024। तो भाई साहब नया साल में बहुत लोग नया नया रेजोल्यूशन लेता है कि क्या करेंगे, माने पूरा नया साल में हमको क्या कंप्लीट करना है, वो गोल रखता है। तो हम भी रख दे रहे हैं आप लोगों के सामने कि अगर भाई साहब सब चीज़ सही रहा, सही तो रहेगा ही, बाकी भगवान के ऊपर है। तो इस साल के अंतिम अंतिम ले टारगेट ये रखे हैं कि यूट्यूब पे कम से कम 20 के सब्सक्राइबर तो पार करिए देना है, इंस्टाग्राम पे भी 10-20 हज़ार फॉलोअर करिए लेना है। मतलब ई हिसाब से रख रहे हैं, काहे कि 6 महीना में मेरा ग्रोथ जैसे है ना, और उसे में ये चीज़ काफ़ी हार्ड लग रहा है, लेकिन भगवान के ऊपर छोड़ के आपने खाली मेहनत करना है। आप पूरा एकदम फैमिली के सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहना है, हमेशा परिवार के बात सुनेंगे। यह सब रेजोल्यूशन जो है हम नया साल में लिए हैं कि दोस्त यार के साथ अपना खूब फन करेंगे, इस नए साल को जो है खुशी खुशी गुजारेंगे, ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं रहेंगे। अब हमारे ऊपर सबसे बड़ा मुसीबत आ गया है कि खल्ला में उतरना है, लेकिन कैसे हूँ, धीरे 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 एकदम धीरे 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 करते करते। देखिए दोस्तों, ये है हमारे गांव का नहर जो कि अभी पूरा सूखा हुआ है, पानी का एक बूंद नहीं है। अब खेलना है एकदम, चलिए चले 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 चले। नहर इस पार तो आ गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रगल हो रहा है भाई साहब जगह खोजने के लिए, कि बढ़िया लोकेशन खोजे तो खोजे, कहाँ कहाँ हम लोग जो है बैठ के बढ़िया से पिकनिक मनाए। तो देख सोचे तो थे कि इधर आए, साफ जगह खोजे जहाँ पे जो है हवा वगैरह ना लगे। कहीं आप लोग सुन सकते हैं कि उन्हें एगो बरियार को डीजे लगा लिया है ससुरा, और वो मना रहा है हैप्पी न्यू ईयर। हमनी आए, लेकिन हमनी के मेन है कि म्यूजिक बॉक्स में नहीं ला पाए, तो हमनी मोबाइले में गाना बजाएंगे। आ रहा है आ रहा है गाइज, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बाकी देख रहे हैं। ये देखिए भाई, ये किस चीज का तो पेड़ है, काफी सही लग रहा है पत्ता, कुछ कुछ ही हगले है ये। कट हो गया गाइस। बहुत मेहनत के बाद हमें एक जगह मिल जाता है पिकनिक मनाने के लिए। यहाँ पे जो है काम का बंटवारा हो गया है गाइज, हम लोग जो है प्याज छीलेंगे, काहे कि रोहित छीले में बहुत एक्सपर्ट है तो इसको प्याज मिला। अंगद यहाँ भर रहा है, आई दोस्त भी मेरा भर रहा है एकदम, देखिए एकदम गोल गोल मिला मिला के, वाह वाह एकदम लग रहा है कि डेली भरता है।
तो चलिए अब छीले अभड़े के कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों का आधा काम हो गया है, प्याज यहाँ पे कटा गया है, उधर हो गया लिट्टी तैयार, मतलब अभी उसको सेकवाना है, हाँ भड़ा गया है, बाकी यहाँ पे एकदम चूल्हा उल्हा लग गया है भाई साहब, आग भी धरा रहा है, यही सब है अंगद का काम। देखिए इतना, मतलब समझिए कि कोई अगर सुंदर सुशील लड़की है तो इससे शादी कर सकती है मैसेज कर सकती है कि हाँ अंगद से हमको शादी करना है, कहे कि देखिए भाई इतना ही कोई आज के लइकन करता है भाई, हमनी के कुछ नहीं आता है, सब आता है इसी को, तो देखिए एकदम सुंदर लड़का है बिना दाढ़ी वाला चाहिए तो इससे लड़के को संपर्क गड़बड़ ना करी। सब गोदी में लेके जहनी खो दिए जीजा जी। ये सब गाना का वाइब ही अलग है गाइस, आज नहीं सुनेंगे तो कहिया सुनेंगे, माने आज मस्ती करेंगे तो ससुरा पूरा साल मस्ती करेंगे। हाँ चूहा मरा रहा कुछ देर में बस वहां से चूहा निकलेगा बिल से, हमारे एक दोस्त कुछ नया टेक्निक सीखे हैं, साले हमरे गमछिया से कर ले बीसीए में जो है चूहा मारने के लिए सिखाया जाता है, तो वहीं पे एक छेद था, इधर बन रहा है चिकन और उधर बनेगा चूहा एकदम मस्त बना के खाया जाएगा। देखिए एकदम हमारा माल एकदम रॉ है अभी, इसको बना के तैयार करके लेग पीस पे लेग पीस चापा जाएगा एकदम, हमारे प्रोफेशनल शेफ अंगद बाबू एकदम अपने तरीके से बना रहे हैं एकदम भाई साहब। ओ हो 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 हो, तो भाई साहब अभी जो है हम लोग आए थे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, धीरे धीरे वस्त्र जो है हम लोगों का उतरता जा रहा है, लेकिन आप लोग ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होइए, ये वाला नहीं उतरेगा, ये पहने रहेंगे, एकदम धूप आ गया है तो तनी मनो चिड़चिड़ा लगा साला, तनी ठंडवा में ठीक रहता है, आ जैसे धूपवा आ गया ना नियाजे एकदम खराब हो जा रहा है, क्या कि देखिए कि एकदम मथे पर सूरज भगवान उग गए हैं, पूरा हमारे पिकनिक के जो प्लेस है वो अब गर्म हो जाएगा, यहीं खाना उना बन रहा है अपना, तो बैठे हुए थे साला कि आराम से यहाँ से गर्मी लेंगे, तो भगवान ऊपर यहीं से गर्मी दे रहे हैं। बाकी आपका भाई अभी तक नहीं आया है, 10 दिन हो गया, समझिए कि सोचे थे कि कल नहा लें, लेकिन कहें कि साला अब साल के अंतिम दिन किए नहाता है, आजो नहाए पड़ जाता, तो खा पी के जाएंगे तो नहाएंगे, फिर जो है आगे आप लोगों को ब्लॉग दिखाते हैं। हाँ अभी सोच रहे हैं कि नहाए कि ना, इसे ठीक लग रहे हैं बिना नहाए पता नहीं चलेगा कि नहाया है कि नहीं, लेकिन नहा लेंगे, उसमें आग में डालेंगे एकदम देहाती तरीके से, मस्त लिट्टी बनाएंगे बिहारी वाला जो कि फेमस है भाई साहब। देखिए रखो, तो लिट्टी को जो है भाई साहब अच्छे तरीके से पलट पलट के रखने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे उसको कवर करके रख दिए हैं, 5 से 6 मिनट तक कवर किया जाएगा, और इसी तरीके से जो है अच्छे तरीके का लिट्टी बनता है बिहारी स्टाइल वाला, मतलब लोग बहुत ज़्यादा छान के भी बनाते हैं, लेकिन हम लोग जो है रॉ आग से बनाए हैं, इसे कहते हैं आग वाला लिट्टी। तो पूरा एकदम तैयार हो चुका है, अभी मात्र हम लोग ले रहे हैं टेस्ट कि कैसा है कैसा नहीं, लिट्टी भाई साहब हल्का सा आग पे का है तो ऐसा ही हो जाता है, लेकिन बहुत टेस्ट कैसा है बताओ भाई सबसे पहले। मस्त रोहित भाई, मस्त। तो अब मैं टेस्ट करके बताता हूँ आप लोगों को, रुक जाइए, एक हाथ से तूड़े में नहीं बन रहा है गाइस एकदम चिकन में डाल के एकदम बेस्ट है बना हुआ, बाकी
चिकन का श्रेय हमारे अंगद बाबू को जाता है। अभी भी ऑफर है, शादी करना है तो मैसेज कर दीजिए। ऐसा खाना बनाने वाला भाई कहीं नहीं मिलेगा। कुछ बता दे कि कैसा लड़की चाहिए। लड़की रहे के चाहिए। अच्छा चलिए दोस्तों, अब आराम से खा के आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों अपना न्यू ईयर पार्टी हो गया है खत्म। अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर, पूरा एकदम अच्छे तरीके से खा लिए। चिकन का तो भाई स्वाद एकदम लाजवाब था, लिट्टी भी सही था एकदम बना हुआ, लेकिन हल्का हल्का जल गया था, हल्का हल्का अच्छे तरीके से पूरा एकदम सींच भी गया था। तो सब खा के अब हम लोग निकल चुके हैं घर की ओर, जा रहे हैं घर नहाएंगे। हो चुका है 3:30 के अप्रॉक्स अभी टाइम हो रहा है। घर से 4-5 बार कॉल आ गया है, एक-दो बार गाड़ी सुन गए हैं गाइज, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। अब चलिए चलते हैं, नहाते हैं। ई हो गया हमारा न्यू ईयर का, मतलब न्यू ईयर समझिए कि खत्म। आज के इतने सीन हैं, बाकी यहाँ से जाएंगे तो नहा धोके हो सकता है कि क्रिकेट वगैरह खेले। तो इस साल रेगुलर लाइफस्टाइल ब्लॉग आते रहेंगे, फुल फन वाले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।